हेलो दोस्तों, आपका मेचर में स्वागत है। तो आज मैं दो चर रेखीय समीकरण से एक क्वेश्चन लाया हूँ। ये समीकरण का है प्रूफ, इसमें मतलब एक्स वाई का मान निकालना है। तो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए, और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल लगभग लगभग एक ना एक बार आता जरूर है, मतलब एक ना एक क्वेश्चन आता जरूर है ये इसका। तो देखिए, ये हमारा इसे हमारे हिसाब से लग रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। दो समीकरण है, इसमें एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें एक्स और वाई को कुछ और मानना पड़ेगा, कि समीकरण बड़ा दिया है तो इसको पहले छोटा बनाना पड़ेगा। इसलिए हम जो हमारा मान लीजिए फर्स्ट समीकरण है, तो उसमें हम वन और एक्स प्लस वाई को मान लेते हैं ए, ठीक। और जो हमारा ये है, इसमें वन अपॉन में एक्स माइनस वाई को मान लेते हैं बी। अब देखिए ये मान लेंगे, तो जब या इसमें से वन ऊपर वन से टेन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आएगा, मतलब टेन ही आएगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नीचे एलिमेंट फर्क पड़ेगा। तो इसके बाद ए मानना है, तो हमारा जो समीकरण बनेगा वो हो जाएगा टेन ए, ठीक। और प्लस लग जाएगा, और इस यहाँ पे हमारा बी माना है, तो ऊपर टू टू हो जाएगा और बी हो गया बराबर फोर। ये हमारा समीकरण थर्ड थर्ड समीकरण, ये हमारा थर्ड समीकरण हो गया, ये थर्ड समीकरण हो गया। इसी तरह अब देखिए, ये वाला इतना हैवी था, अब सिंपल में आ गया। इसी तरह हमें दूसरा भी समीकरण सिंपल में करना है, तो इसी टाइप से करेंगे। तो इसमें भी हो जाएगा हमारा 15a-5b बराबर माइनस का टू, ये हमारा हो गया फोर समीकरण, ये हो गया दोनों। अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे विलोपन विधि से सॉल्व होगा, इसमें दो एक किसी एक को बराबर कर लेंगे, तो जो हमारा बी वाला पोर्शन है, देखिए इसमें टू है और इसमें फाइव है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे फाइव से तो हमारा टेन हो जाएगा, इसमें टू से करेंगे तो टेन हो जाएगा, तो ये लिखना पड़ेगा हमें। आप देखिए गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर देखिए, ऊपर वाले समीकरण फाइव से करना है, तो हमारा हो जाएगा टेन का फाइव से करेंगे तो 50a हो जाएगा, प्लस इधर हमारा टेन बी हो जाएगा, और इधर हमारा हो जाएगा 20, ओके। और नीचे हमारा हो जाएगा, तो टू से करना है तो 30a हो जाएगा माइनस 10b हो जाएगा बराबर, इधर हमारा हो जाएगा फोर। अब देखिए इसको घटा लेते हैं, अब इसको घटाएंगे तो टेन से ये कट जाएगा, साइन चेंज है तो इसमें चेंज करना नहीं पड़ेगा, तो इधर हमारा हो जाएगा 80a बराबर, इधर हमारा हो जाएगा 16। अब देखिए ए का मान निकाल लेते हैं, ए का मान आएगा हमारा 16 में 80 से डिवाइड हो जाएगा, तो 16 एकम 16, 16 पंचे 80, ये हो गया वन कौन में रहेगा। तो देखिए अभी अब ए का मान निकाले हैं, अब बी का मान निकालेंगे, तो इसमें किसी ना किसी समीकरण में रख लेंगे। तो देखिए फर्स्ट थर्ड समीकरण, अब देखिए थर्ड समीकरण हमारा था टेन ए प्लस टू बी बराबर फोर। अब ए का मान हमारा आया 1/5, तो 10 × 1/5 + 2b बराबर फोर, ये हो गया। अब देखिए 5 से डिवाइड, 2 बचेगा 2b बराबर 4, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 2 बराबर 2, b का मान हमारा 2/2 तो हो गया 1, तो b का मान आया 1। अब देखिए b का मान आया हमारा 1 और ए का मान आया 1/5, जगह भी रख के एक्स वाई का मान लगाएंगे। तो देखिए 1 और x + y बराबर 1/5, ये हो गया। अब इसका कंजुगेशन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x + y = 5, ये हो जाएगा समीकरण हमारा फिफ्थ समीकरण, ये हो गया, ठीक। उसी तरह एक समीकरण और निकल आएगा 1 x - y बराबर
बी, बी का मान आया वन, तो हमारा जो समीकरण आएगा फिर से वो निकल के आएगा माइनस बाई बराबर वन, ये हमारा हो गया सिक्स समीकरण, सिक्स समीकरण हो गया। ठीक, आप देखिए ये हमारा फर्स्ट फिफ्थ समीकरण हो गया, ये हमारा फोर्थ सिक्स समीकरण हो गया। अब इन दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा एक्स वाई का मान तब निकलेगा। तो देखिए ये हमारा समीकरण हो गया फाइव और ये हमारा सिक्स समीकरण हो गया माइनस वाई बराबर वन। अब देखिए वाई वाई है और साइन चेंज है तो ये कट जाएगा हमारा, तो टू एक्स इधर हो जाएगा और इधर हमारा बचेगा सिक्स, एक जुड़ गया जुड़ जाएगा, तो ये मान टू वन टू टू थ्री सिक्स, तो एक्स बराबर हमारा थ्री मान आ गया, तो एक ये निकल गया। अब एक्स का मान निकल गया तो इसी इसमें इस समीकरण में या किसी में भी रख के निकाल सकते हैं। तो देखिए तो हमारा सिक्स फिफ्थ समीकरण था प्लस वाई बराबर फिफ्थ, अब इसमें रख लेंगे थ्री का मान, थ्री था और फाइव, अब वाई बराबर हमारा ये घट जाएगा, तीन जाएगा उधर घट जाएगा तो बचेगा दो, तो ये वाई बराबर आ गया मान। अभी क्या चेक करना भी चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, देखिए ये जो हमारा वाई का मान और एक्स का मान इसमें रख के तुरंत चेक कर सके। देखिए ये टेन है हमारा और थ्री एक्स का मान है प्लस वाई का मान हमारा टू आया है और प्लस टू और ये थ्री माइनस टू बराबर फोर लाना है, देखिए कैसे लाएंगे। ये हमारा हो जाएगा फाइव और टेन प्लस टू और वन, अब देखिए कट जाएगा ये टू जाएगा, अब ये टू टू फोर और फोर बराबर आया, तो मतलब आपका आंसर सही है। कोई भी एक समीकरण चेक कर सकते हैं जो बराबर है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन।